अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाली है आलू करी। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच तेल को गर्म कर लिया। तेल जब हल्का सा गर्म हो गया तो इसमें हमने दो मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट के डाल दिया। प्याज को हम पहले फ्राई कर लेते हैं। एक टी स्पून डालेंगे साबुत धनिया, थोड़ा सा करी पत्ता, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून राई, हाफ टी स्पून सौंफ, सारी चीजों को अच्छी तरह हम फ्राई कर लेंगे। प्याज जब अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसमें डालेंगे हम पाउडर मसाले, हाफ टी स्पून हल्दी, एक टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, स्पून से थोड़ा सा ज्यादा लेंगे नमक। गैस को हम यहाँ थोड़ा सा मद्दा करेंगे। इसमें डाल देंगे दो मीडियम साइज के टमाटर, इन्हें हमने बारीक काट लिया, ये डाल देंगे। तो गैस को यहाँ मद्दा ही रहने देंगे और मध्य फ्लेम पर ही इसे भूनने देंगे। तो हम इसे रखते हैं दूसरे चूल्हे पर और यहाँ हम आलूओं को फ्राई कर देते हैं। बीच बीच में हम इसे चलाते ही रहेंगे। आलू फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में एक टीस्पून के करीब तेल को गर्म कर लिया है और यहाँ हमने 6 से 7 आलू लिए, ये छोटे साइज के आलू हैं, इन्हें हमने उबाल कर छील लिया है। तो इन्हें हम फ्राई कर लेंगे। गैस को अब यहाँ हम थोड़ा सा तेज करेंगे और पहले हम आलू को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं 3 से 4 मिनट और फिर इसके बाद हम इसमें मसाले मिलाएंगे। आलू जब अच्छे से फ्राई हो जाए इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये हम कलर के लिए डाल रहे हैं, 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1/4 टीस्पून के करीब डालेंगे हम नमक। नमक हम मसाले में डाल चुके हैं तो नमक यहाँ हम थोड़ा सा कम ही डालेंगे। 2 से 3 मिनट इसे अच्छी तरह हम भून लेते हैं। गैस को हम यहाँ बिल्कुल मद्धा ही रखेंगे। आलू अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं, अब गैस को हम बंद कर देंगे। मसाला भी अच्छी तरह भुन गया है तो इसे हमने दूसरे चूल्हे पर रख दिया था भुनने के लिए। तो यहाँ पर अब हम डालेंगे पानी, तो आधा कप के करीब हम डाल देते हैं इसे पानी। पानी में जब हल्का सा उबाल आने लगे तो इसमें डालेंगे हम ये फ्राई किए हुए, तो यहाँ हमने पूरा 1 कप पानी डाल दिया है। अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे। गैस को हमने यहाँ बिल्कुल मद्धा कर दिया है, इसे हम ढक देंगे और ढक कर 8 से 10 मिनट इसे पकने देंगे। 8 से 10 मिनट ढक कर पकाने के बाद में आलू करी बनकर तैयार है। अब इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया और गैस को हमने बंद कर दिया है। तो आपको ये आलू करी की रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।